हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप अप आईएएस। आज का हमारा हिंदू का डिस्कशन हम शुरू करने जा रहे हैं और आज है 25th ऑफ अक्टूबर 2017। और आज की हिंदू में जो ओवरव्यू है उसका थोड़ा सा लेते हैं, देखते हैं क्या क्या आर्टिकल्स हैं। ये जम्मू एंड कश्मीर का के ऊपर एक आर्टिकल लिखा है जिसमें आपको पता होगा दिनेश्वर गोस्वामी जी को अपॉइंट किया गया इंटरलोक्यूटर, यानी कि जो मीडिएटर का काम करेंगे, डिस्कशन करेंगे वहाँ के लोगों से जो अलगाववादी हैं। आपको ये बात पता होगी कि पिछले कई महीनों से हमने वहाँ पे एक माहौल बनाने की कोशिश की है इंडियन गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और 15 अगस्त को आपके प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही थी कि हम अब गले लगा करके जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और तब से बहुत सारी मुहिम छोड़ा गया है जिसको हम कैरेट एंड स्टिक अप्रोच कह सकते हैं। जो स्टिक अप्रोच है उससे पहले से शुरू हो चुका है, ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया है वहाँ पे, जिससे आपके जो आतंकवादी हैं उनको ऊपर हमने कड़ी कार्रवाई की है। और दूसरी बात, हम वहाँ पे फंडिंग, जो आतंकवादी फंडिंग थी उसको रोकने के लिए एनआईए ने शिकंजा कसा हुआ है। इसके साथ साथ आपको शायद पता होगा कि 7 पॉइंट प्रोग्राम भी राजनाथ सिंह ने वहाँ पर डिक्लेयर किया है कि जो हम जम्मू कश्मीर के साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 7 पॉइंट प्रोग्राम पे बात करने वाली है। और इसके साथ साथ वहाँ पे आपको पता होगा 80,000 करोड़ का पैकेज दिया है जिसमें से 18,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। तो ये सारी बातें आप देखेंगे तो कैरेटनिस्टिक अप्रोच है और उसके तहत एक इंटरलोक्यूटर वहाँ पे अपॉइंट किया गया है जो सेंटर और स्टेट के बीच बात करने की बात करेगा। इसको सबने वेलकम किया है। ये आर्टिकल इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है इसलिए हम इस पर डिटेल में नहीं जाएंगे। दूसरा आर्टिकल है सेक्शन 375(2) पे। आपको पता होगा कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है जिसमें जो मैरिटल रेप है बिटवीन 15 to 18, जिसको 75(2) मानता है कि ये रेप नहीं है, उसको इन्होंने डिक्लेयर किया है कि नहीं, अब ये रेप की श्रेणी में आएगा, जैसा कि पोक्सो एक्ट में पहले ही डिक्लेयर किया जा चुका है। इस पर हम डिस्कशन करेंगे। तीसरी बात है यहाँ पे सौभाग्य स्कीम, क्रिटिकल इवेल्युएशन, यहाँ पे क्रिटिकल इवेल्युएशन किया गया है सौभाग्य स्कीम का। इसके साथ दीनदयाल ज्योति योजना है, जो ग्राम ज्योति योजना है, इसके बारे में भी क्रिटिकल इवेल्युएशन किया गया है कि गवर्नमेंट की जो स्कीम है वो कहाँ तक रियल है और कहाँ तक वो जो इमेजिनेशन पे बेस्ड है, एंड वेदर इट विल बी एबल टू प्रोवाइड व्हाट गवर्नमेंट वांट्स टू प्रोवाइड, जो गवर्नमेंट चाहती है क्या वो प्रोवाइड कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ये इस पर डिस्कशन होगा। इसके साथ साथ जीएसटी रजीम एंड इकोनॉमिक डिलेमा, जो गवर्नमेंट का एफर्ट है कि डैमेज कंट्रोल कैसे किया जाए। आपको पता होगा 1 जुलाई को जब से जीएसटी रोल आउट हुआ है तब से बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं जो मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए भी जो हैं। और इसके साथ साथ हमारा सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी जो हुआ है उसके बारे में भी चर्चा होगी, पॉजिटिव निगेटिव्स। तो यहाँ पे उसके बारे में पूरी बात बताई गई, गवर्नमेंट डैमेज कंट्रोल कैसे कर रही है और गवर्नमेंट के पास डिलेमा क्या है। तो चलते हैं, अब एक एक शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे एसे राइटिंग के लिए। कोटेशन थॉमस जेफरसन साहब ने कहा है, ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल। यहां पे जब हम इसको यूज कहां पे करना है, आपको जब भी हम कोई एसे लिखेंगे और वहां पे विमेन एम्पावरमेंट की बात की जाएगी तो विमेन एम्पावरमेंट में ये कोटेशन काम आ सकता है कि थॉमस जेफरसन साहब ने कहा है कि ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल। अगर यहाँ से हम स्टेटमेंट शुरू करते हैं और उसके बाद बताते हैं कि विमेन को और कुछ ना दिया जाए, सिर्फ इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए, तो उससे ही उनका एम्पावरमेंट संभव है। और दूसरा जो फैक्ट है, हम यहाँ पे एक फैक्ट यूज करेंगे जैसा कि हमारी टीम हमेशा देती रही है एक फैक्ट, तो उस पर उसी जरिए हम भी आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो फैक्ट है, द रिचेस्ट 10% ऑफ द इंडियंस ओन 80.7% ऑफ द वेल्थ, और ये कई रिपोर्ट्स में आ चुकी है आईएमएफ के, वर्ल्ड बैंक के, ये बातें, और भी रिसेंट में भी एक रिपोर्ट आई जिसमें ये बात कही गई है। इस फैक्ट को याद रखें, इसको आप इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं या आप एक पॉइंट में यूज कर सकते हैं कहीं भी, जहां भी आप सोशल इनइक्वालिटी की बात करेंगे, सामाजिक असमानता की बात करेंगे। तो आगे चलते हैं। सबसे पहला जो आर्टिकल हम लेते हैं इसका नाम है कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, जो कि हमारे आर्टिकल जो हम पोक्सो एक्ट की बात कह रहे थे अभी, हमने वीमेन जो मैरिटल रेप की बात चल रही थी 15 to 18 के बीच में, वहाँ पे जो हमारा ये जीएस के पेपर 3 में जुड़ा होगा, रोल ऑफ वीमेन एंड वीमेंस ऑर्गेनाइजेशन, तो जो वीमेन का रोल है उसमें किस तरीके से, ये सोशल सोसाइटी का मुद्दा है जो जीएस के पेपर 1 में आएगा, ये पॉपुलेशन एसोसिएटेड इश्यूज, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इश्यूज, अर्बनाइजेशन, ये पूरा जो सेक्शन है वो जीएस के पेपर 1 में है। और
इसमें रोल ऑफ वीमेन के जो है उसमें कनेक्ट होगा ये आपका जो आर्टिकल है आज का। तो हम चलते हैं, शुरू करते हैं इसमें। तो जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि द क्वेश्चन ऑफ कंसेंट इज वन दैट मस्ट लाई विद द इंडिविजुअल वुमन। आपको पता होगा कि इंडिया में जो मैरिटल रेप है उसे रेप नहीं माना जाता है, लेकिन हद तो तब हो गई जब जो माइनर्स हैं उनमें भी ये बात लागू की गई। और यहाँ पे दो चीज़ें आईं। पहला आया कि आईपीसी, जो आईपीसी है इसका 375(2) जो सेक्शन 2 है, एक तरफ ये है। दूसरा है आपका पोक्सो एक्ट। पोक्सो एक्ट के बारे में बताऊं कि जो सेक्सुअल एब्यूज़ है उससे बचाने के लिए, बच्चों के लिए ये एक्ट लाया गया 2012 में। और इन दोनों के बीच कॉन्ट्राडिक्शन शुरू हो गया कि पोक्सो एक्ट कहता है कि कोई भी चाइल्ड जो बिलो 18 होगा उसको रेप माना जाएगा, लेकिन वहीं पे सेक्शन 375 कहता है कि अगर कोई मैरिड विमेन है बिटवीन 15 to 18, तो अगर उसके साथ कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है उसका हस्बैंड, तो उसे मैरिड, उसे रेप नहीं माना जाएगा। इस कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट डिसीजन आया है जिसमें उसने ये डिक्लेयर किया है कि जो कंसेंट है 15 to 18 ईयर का, वो कंसेंट नहीं माना जाएगा, उसे रेप माना जाएगा। और सिर्फ जो मैरिड विमेन जो एबब 18 है, सिर्फ उनके ही, उनको ही जो कंसेंट माना जाएगा शादी के बाद, अगर उनके साथ ऐसा कुछ किया जाता है उसे मैरिटल रेप नहीं माना जाएगा। लेकिन 18 से नीचे कोई भी लड़की होगी, अगर उसके साथ ऐसा कुछ किया जाता है उसे मैरिटल रेप माना जाएगा। और उसके लिए उसको सेम प्रावधान है जैसा कि एक साधारण रेप विक्टिम के लिए होता है, साधारण रेप जो अक्यूज होता है उसके लिए होता है। तो यहाँ पे हम जो ये कॉन्टेक्स्ट है, यहाँ पे ये बात कर रही है सुप्रीम कोर्ट के उसी डिसीजन के बारे में। और यहाँ पे बात करने जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इस जो गवर्नमेंट है उसके आर्गुमेंट को सेट असाइड किया, उसको अलग रखा। गवर्नमेंट ने क्या आर्गुमेंट दिया कि जो मैरिज है उसको प्रिज्यूम करती है कि वो कंसेंट है। अगर कोई शादी करता है तो अपने आप ही वो मान लेती है कि वो कंसेंट दिया जा रहा है। दूसरी बात जो कंटेंशन दिया जा रहा है वहाँ पे ये है कि जो कंपल्सरी सेक्स इन चाइल्ड मैरिज इज प्रोटेक्टेड बाय कस्टमरी और पर्सनल लॉज। जो कस्टमरी लॉज है, हमारा जो कल्चर है, ये कहता है कि हमारे कल्चर में कहा जाता है कि जो चाइल्ड मैरिज है वो 15 से 18 के बीच में अगर हो रही है तो उसमें सेक्स कंपलसरी है, क्योंकि हमारी कस्टमरी लॉ है। ये दूसरी बात कहा स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करती है। तीसरी बात में हस्बैंड ऑफ चाइल्ड ब्राइड्स मस्ट हैव इम्प्यूनिटी फ्रॉम द रेप लॉ। जो हस्बैंड होने चाहिए उन्हें रेप लॉ से इम्प्यूनिटी होनी चाहिए, छूट होनी चाहिए, बचाव होना चाहिए, ताकि हमारी सोसाइटी टूटे ना। और चौथी बात है कि ये जो कारण है कंपल्सरी सेक्स का, ये पावर्टी की वजह से है। ये किसकी वजह से? लैक ऑफ डेवलपमेंट की वजह से है। ये चार बातें हैं जो बातें यहाँ पे कंटेक्स्ट दी गई हैं सोसाइटी के वजह से, जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है हमारी और जो गवर्नमेंट है जो खुद भी पैट्रियार्की पे बेस्ड है, उसके जरिए जो चार बातें की गई, इसको सेट असाइड किया सुप्रीम कोर्ट ने। और इसके बाद उसने आर्ग्यूमेंट दिया। क्या आर्ग्यूमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने? अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट, सेक्सुअल कंसेंट कैन ओनली बी गिवन बाई एन एडल्ट वुमेन ऑफ 18 ईयर्स और अबव। जो 18 ईयर्स के अबव है उसी के जरिए कंसेंट दिया जा सकता है। कंसेंट टू सेक्स इन अंडर एज मैरिज कैन नॉट बी एज्यूम्ड बाई हस्बैंड और पेरेंट्स। जो कि माइनर हों उनको पेरेंट्स और हस्बैंड्स को एज्यूम नहीं करना चाहिए। ये वीमेन की अपनी इच्छा होनी चाहिए हमेशा कि वो जो कह रही है उसे कंसेंट माना ना जाए। तो कंसेंट टू सेक्स इज अंडर एज मैरिज में जो होगा वो कोई हस्बैंड या पेरेंट उसे मान नहीं सकता। उसके अलावा जो पोक्सो है वो कोई जेंडर बेस्ड नहीं है। पोक्सो डिफाइंस ए चाइल्ड। वो चाइल्ड क्या कहता है कि कंसेंट ऑफ ए चाइल्ड इज नॉट ए डिफेंस टू सेक्सुअल असॉल्ट, दस मैरिज कैन नॉट बी एन एस्केप। पोक्सो सीधा कहता है कि जो माइनर के साथ अगर सेक्सुअल असॉल्ट होता है तो वो रेप माना जाएगा और उसके लिए स्ट्रिंजेंट जो पनिशमेंट है वो दिया जाएगा। मैरिज कैन नॉट बी एन एस्केप, मैरिज एक बहाना नहीं हो सकता है। इसके अलावा आपके जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है 2016, ये भी बात प्रोहिबिट करता है चाइल्ड मैरिजेस को। और जो चाइल्ड मैरिजेज हैं ये हिस्टोरिकली कास्ट शैडो ओवर रेप लॉ रिफॉर्म इन इंडिया मैनी पर्सनल कस्टमरी लॉज। तो आपको मैं बोलूं कि जो चाइल्ड मैरिज है ये बहुत सारे नियम को, जो रेप लॉज हैं उनके ऊपर ये शैडो की तरह छाया हुआ है और उससे लोगों को बचत मिल जाती है। सो
दिस इज अ फील्ड ऑफ लीगल प्लुरलिज्म. क्या है लीगल प्लुरलिज्म? लीगल प्लुरलिज्म यही है कि एक तरफ जो प्री मैरिटल सेक्स है उसको रेप माना जा रहा है, लेकिन वही सेम एज में 15 से 18 के बीच में जब उस बच्चे के साथ रेप होता है तो उसे रेप नहीं माना जाता है. दैट इज कॉल्ड लीगल प्लुरलिज्म. यहाँ पे लीगल प्लुरलिटी दिख रही है कि एक ही नियम, जब चाइल्ड वही है, सिर्फ मैरिज हो जाने से क्या बदल जाता है, इसी बात को इसने लीगल प्लुरलिज्म कहा है. तो एक सोशल प्रॉब्लम है, इसको यहाँ पे डिस्कस किया गया है. अब ओनश किस पे दिया जाए यार, जो दायित्व है उसका वो किसके ऊपर आना चाहिए? गवर्नमेंट के ऊपर आना चाहिए. तो क्या क्या चीजें हैं जो ओनस है, गवर्नमेंट के ऊपर दायित्व है? वो है पोक्सो डिफाइंस ए चाइल्ड. पोक्सो डिफाइन करता है 18 साल की एज से नीचे का चाइल्ड चाइल्ड होगा. अगर उसके साथ कोई भी अनलॉफुल सेक्सुअल एक्टिविटी होती है तो उसे अनलॉफुल माना जाए और उसके लिए उसे पनिशमेंट दिया जाना चाहिए. उसके लिए कोई भी एस्केप नहीं होना चाहिए. और ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो उसका इम्प्लीमेंटेशन करे. इसके साथ साथ इंडिया ने 1992 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, गवर्नमेंट इसको मस्ट कंप्लाई, इसको गवर्नमेंट को कंप्लाई करना चाहिए क्योंकि हमने साइन कर रखा है, इसमें एक्सीड कर रखा है इसको 1992 के. तीसरी बात क्या है यहाँ पे जो दायित्व है गवर्नमेंट का, वो क्या है कि गवर्नमेंट मस्ट वर्क अगेंस्ट पैट्रियार्कल नोशन ऑफ द सोसाइटी. जो पैट्रियार्कल नोशन ऑफ सोसाइटी का, जिसमें जो पैट्रियार्की है वो शो करती है कि 15 से 18 के बीच अगर शादी हो जाती है तो वो नहीं माना जाएगा सेक्स, और शादी नहीं होती है सेक्स माना जाएगा. इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है. वो ये रहा है कि एक तरफ जो सोसाइटी है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, वो ये अपने आप को बचाने के लिए अगर मैरिज हो जाता है तो जो पैट्रियार्की वो बचाना चाहती है उन हस्बैंड्स को जो ऐसा हरसी हरकत करते हैं. दूसरी बात, अगर सोसाइटी मानती है, यहाँ की पैट्रियार्कल सोसाइटी मानती है कि जो मैरिज से पहले सेक्स है वो इमोरल है, इल्लिसिट है, तो वो भी कहता है कि उस समय अगर कोई बंदा ऐसा 18 साल की उम्र से पहले सेक्स करता है तो उसे इमोरल की जगह पे इलीगल डिक्लेयर करवा दिया गया है और उसमें उसे रेप माना जाएगा. तो दोनों बचत हो गई, दोनों बचत एक दोनों तरफ, जो एक तरफ मैरिटल रेप जो है उससे पैट्रियार्कल सोसाइटी बच जाती है, दूसरी बात जो सोशल की इमोरालिटी का नियम है वो भी लागू रह जाता है. तो ये प्लुरलिज्म जो है वो गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लीगल प्लुरलिटी को पहली बात तो वो सिस्टम में सही करे, और दूसरी बात है कि जितने भी नियम कानून बने हैं इससे रिलेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए उसको वो लागू करे. अब कंक्लूजन यहाँ पे है, द क्वेश्चन ऑफ सेक्सुअल कंसेंट इज क्लियरली वन दैट मस्ट लाई विद द इंडिविजुअल वीमन. जो क्वेश्चन ऑफ सेक्सुअल कंसेंट है, कंसेंट इच्छा है, वो इंडिविजुअल वीमेन के ऊपर होनी चाहिए, वो उसकी इच्छा उसको देनी चाहिए. कोई पेरेंट, एल्डर, पॉलिटिकल पार्टी, प्रीस्ट, जो विजिलेंट ग्रुप्स हैं, इनके ऊपर ये सिस्टम अलाउ नहीं करना चाहिए कि ये उसको डिसाइड करें या वीमेन को फोर्स करें, माइनर को डिक्लेयर करें कि नहीं नहीं अगर उस शादी हो चुकी है तो उसे सेक्स नहीं माना जाएगा. ये इंडिविजुअल वीमेन को ये राइट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू फेमिनिस्ट. सो Although the law offers a specific grammar of rights, forcing young persons into compulsory heterosexuality is not seen as a social evil. How then will equality be a lived reality by and for women, sexual minorities and children? कहता है यहाँ पे कि जो grammar of rights है, जो rights का एक व्याकरण आप बना रखे हो कि इसमें हेट्रोसेक्सुअलिटी को सोशल एविल नहीं माना जा रहा है, जो कि कंपलसरी किया गया है सोसाइटी के जरिए, तो किस तरीके से सोशल इक्वालिटी निकले और किस तरीके से आप वीमेन को इक्वल राइट्स दोगे आप? जैसा कि हमने पहला स्टेटमेंट किया है कि ऑल पीपल आर क्रिएटेड इक्वल, तो मेन और वीमेन दोनों को इक्वल क्रिएशन इक्वल माना जाएगा. वो तभी माना जाएगा दोनों के लिए जो लॉ हो वो सेम हो, और पोक्सो एक्ट दोनों बिना जेंडर बायसनेस के चाइल्ड को चाइल्ड मानता है, बिलो 18 को चाइल्ड मानता है, और उसके साथ अगर कोई भी सेक्सुअल अब्यूज होता है तो उसे उसके लिए स्ट्रिंजेंट लॉ भी बनाता है. तो अब जो कुछ चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए कुछ और भी राइट्स हैं, जैसे कि NCLP आया था 1988 में आया था, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन स्कीम, और दूसरा पेंसिल पोर्टल अभी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है जिसमें गवर्नमेंट ने जो भी बच्चे, गुमशुदा बच्चे होते हैं उनको बचाने के लिए पेंसिल पोर्टल लॉन्च किया गया, जिस पे जाकर के आप गुमशुदा बच्चों की तलाश में आप नाम लिख सकते हैं और प्रोटेक्शन कर सकते हैं. तो एक क्वेश्चन देखते हैं मेंस के लिए, व्हाट लीगल प्लुरलिटी डू यू फाइंड इन द लॉज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, डिस्कस कीपिंग इन माइंड रिसेंट डिसीजंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग सेक्शन 375(2) ऑफ IPC. इस पे आंसर लिखने की कोशिश करें आप,
ऊपर की जितने भी हमारा डिस्कशन हुआ उसको सुन के। अब चलते हैं शेडिंग लाइट्स ऑन सौभाग्य। सौभाग्य स्कीम आपको पता होगा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए भी लाई गई है, और कॉन्टेक्स्ट क्या है, द इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम नीड्स टू बी थ्रो मोर केयरफुल्ली। मतलब कुल मिला के जो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम है इसमें बहुत सारा क्रिटिसिज्म लिखा गया है। ये कहाँ पे आएगा, ये जीएसके पेपर 3 में आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, यहाँ पे एनर्जी सेक्टर से जुड़ा हुआ है ये, और कहीं ना कहीं ये एनर्जी सेक्टर से जुड़ा हुआ है, ये सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से भी जुड़ा हुआ है। तो चलते हैं क्या कहते हैं यहाँ पे, क्या है एक्चुअली सौभाग्य, सहज बिजली हर घर योजना इसका नाम है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है सौभाग्य स्कीम का, देखो, प्रोवाइड एनर्जी एक्सेस टू ऑल बाय लास्ट माइल कनेक्टिविटी। लास्ट माइल कनेक्टिविटी, सबसे नीचे का बंदा जो है उसको भी जो एनर्जी एक्सेस होनी चाहिए। दूसरी बात, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस टू ऑल रिमेनिंग अनइलेक्ट्रीफाइड हाउस होल्ड इन रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज टू अचीव यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन इन द कंट्री। आपको पता होना चाहिए कि इस स्कीम के तहत रूरल और अर्बन दोनों क्षेत्रों में जो कनेक्शंस है बीपीएल को फ्री में दिया जाएगा, जबकि एबव पॉवर्टी लाइन वाले को 500 रुपए के चार्ज पे दिया जाएगा, और उसमें भी उसको जो है सब्सिडी दी जा रही है, और उस पर उसको कई इंस्टॉलमेंट्स में उसको पे करना है। लगभग 10 इंस्टॉलमेंट्स हैं इसमें, 500 रुपए आपको पे करना है लेकिन 10 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पुअर वुड ऑफन नॉट बी इन ए पोजिशन टू पे रेगुलर, लेकिन यहाँ पे जो बात उठाई जा रही है वो ये है कि जो पुअर है वो आपने स्कीम तो उनको दे दी, लेकिन इनके साथ दिक्कत क्या है कि ये बिल पे नहीं कर पा रहे हैं। बिल नहीं कर पाएंगे तो आप अगर इनको कनेक्शन दे भी दिया तो इनका कनेक्शन कट जाएगा, और जाहिर सी बात है इसलिए ये जो पूरा मोटिव है इसका वो पूरा नहीं हो रहा। दिस न्यू स्कीम इज जस्ट अ वे ऑफ रीफर्बिशिंग द दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना जो कि 2015 में लॉन्च हुई, जिसमें 2018 तक सारे गांवों को इलेक्ट्रीफाइड करने की बात चल रही थी, उसको ये रिफर्बिश कर रहा है, ये पुनर्सज्जा कर रहा है उसको, ये कुल मिला के आप यूं सारे कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो दो स्कीम के बारे में आपको पता चली, सौभाग्य स्कीम के बारे में और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ये मैं आपको बता दूं, ये प्रीलिमिनरी में भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो भी बातें यहाँ पे चल रही हैं पॉइंट्स, ये प्रीलिमिनरी में 1, 2, 3 करके आ जाएगा और आपको कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। आपको यहाँ के बारे में आपको दिमाग एक्टिव रहना चाहिए कि क्या क्या स्कीम में कहाँ कहाँ पे बात चल रही है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है, यहाँ पे क्या लूपहोल्स था। यहाँ पे दो पॉइंट आप ध्यान रखना कि पहली बात तो मेंस में कहाँ यूज करेंगे, दूसरी बात प्रिलिमिनरी में कहाँ यूज करेंगे। तो देखेंगे 14,701 गांव अभी तक इलेक्ट्रिफाइड हैं, 2,760 विलेज अभी बचे हुए हैं, आउट ऑफ दीच वर्क इज स्टिल इन प्रोग्रेस इन अ टोटल 2,611 विलेजेस। अभी 2,611 में गांव में काम चल रहा है। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, ए विलेज इज कंसिडर्ड टू बी इलेक्ट्रीफाइड इफ 10% हाउस होल्ड्स हैव एन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। अगर 10% इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी गांव में है तो उसे इलेक्ट्रीफाइड माना जाएगा। वाओ। सो एंड रिलेटेड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मैं आपको बोलूं कि अगर 10% गांव में है तो क्या पूरा गांव इलेक्ट्रीफाइड है, नहीं, ये बात यहीं पे कह रहा है। फर्दर मोर, इवन इन दीज 10% हाउस होल्ड देर इज नो प्रॉमिस ऑफ मिनिमम आवर्स। और आपको पता होगा गांव में, हमारे यूपी बिहार के बहुत सारे विलेज में, अभी तो यूपी में हालत ठीक हो गई है लेकिन अभी भी बहुत सारे जगह हैं जहां पे जो 3 घंटे 4 घंटे की बिजली प्रोवाइड की जा रही, 10% आप बिजली प्रोवाइड कर रहे हो और उसमें से भी 2 से 3 घंटे ही बिजली प्रोवाइड की जा रही है, तो क्या ये रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन है। नाउ द क्वेश्चन वी देन नीड टू आस्क इज दिस, गिवन दैट 90% ऑफ हाउस होल्ड्स मे नॉट हैव पावर सप्लाई एंड ऑफ दोज 10% विद इलेक्ट्रिसिटी नॉट हैविंग ए रेगुलर सप्लाई, कैन वी स्टिल कंसिडर सच ए विलेज टू बी इलेक्ट्रीफाइड इन ए मीनिंगफुल सेंस। आपको बताओ 90% लोगों के पास तो बिजली नहीं है और 10% में से भी सिर्फ 2-3 घंटे ही सप्लाई हो रही बिजली की, तो क्या इसे हम माने कि ये इलेक्ट्रीफाइड हो गया विलेज। सो पॉजिटिव एंड रिलेटेड निगेटिव्स, देखो पॉजिटिव निगेटिव्स की बात करते हैं। ऑन द फेस ऑफ इट द स्कीम में ओनली बी एबल टू प्लग द गैप्स, ये गैप को प्लग कर रहा है कि जो एंट्री बैरियर था, यानी कि लोग कनेक्शन नहीं पा रहे थे, उसको इसने दूर किया है, यानी कि बीपीएल फैमिली में आराम से कनेक्शन मिल जाएगा, लास्ट माइल कनेक्टिविटी हो जाएगी, लास्ट माइल तक कनेक्टिविटी की जाएगी जो कि सोलर एनर्जी के माध्यम से की जाए। आपको पता होगा इस स्कीम में जो पॉइंट यहाँ पे दिया नहीं गया है, उस पॉइंट में ये बात सामने आई है कि वहाँ पे एक बैटरी भी दी जाएगी, सोलर पैनल लगाया जाएगा, 5 LED बल्ब भी दी जा रही है उन लोगों को जहाँ पे आप बिजली का कनेक्शन नहीं दे पा रहे हैं। तो इट कैन गारंटी नाइदर रेगुलर इलेक्ट्रिक सप्लाई, ये
कह रहा है कि रेगुलर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं दी जा सकती इसमें, और नॉट कंटिन्यूएशन ऑफ दोज कनेक्शन इन केस ऑफ नॉन पेमेंट, और ना ही अगर नॉन पेमेंट होता है तो कनेक्शन रेगुलर रहेगा। दो बातें आपको ध्यान रखना है कि पहली बात, अगर आपने कनेक्शन दे भी दिया तो रेगुलर सप्लाई सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। क्यों नहीं की जा सकती है? क्योंकि आज की जो डिमांड है हमारी वही पूरी नहीं हो पा रही है, और ऐसे में 80,000 यूनिट मेगा वॉट यूनिट बिजली मोर चाहिए होगी अगर पूरी ये कनेक्शन दे दिया जाता है तो। एक तो रूरल सप्लाई रुकेगी, और दूसरा है कि अगर लोग जो डिस्कॉम है इनके जो फीस है बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है अगर पे नहीं कर पाते हैं तो जो कनेक्शन है वो काट दिया जाएगा। तो ए फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन मे प्रोवाइड सम रिलीफ एज फार एज द फाइनेंशियल बर्डन इज कंसर्न, हाउएवर एक्सपेक्टिंग पुअर हाउस होल्ड्स टू बियर द रिकरिंग बर्डन ऑफ बिल्स एज पर द प्रिवेलिंग टैरिफ ऑफ डिस्कॉम इज अनइमेजिनेबल। इवन इफ द प्रोग्राम इज सक्सेसफुल हाइपोथेटिकली एंड ऑल हाउस होल्ड्स आर प्रोवाइडेड ए कनेक्शन, तो ये हाइपोथेटिकल लग रहा है, पूरी तरीके से बात की जा रही है अगर हम प्रोवाइड कर भी देते हैं पूरा कनेक्शन, क्योंकि लोगों को सप्लाई नहीं मिलेगी और लोगों को कनेक्शन कट जाएगा। देयर वुड स्टिल बी द प्रॉब्लम ऑफ रेगुलर सप्लाई की प्रॉब्लम तब भी रह जाएगी। तो दो पॉइंट कुल मिला के यहाँ पे आपको याद रखना है, पहला पॉजिटिव और निगेटिव में। पॉजिटिव में क्या याद रखना है कि ये प्लग कर रहा है, जो गैप है उसको प्लग कर रहा है। दूसरी बात क्या याद रखना है कि जो एंट्री बैरियर थे उसको ये रिमूव कर रहा है। तीसरी बात क्या याद रखना है कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी है। चौथी बात क्या याद रखना है कि जो कनेक्शंस है उसको रिलीज किया जा रहा है। अब निगेटिव क्या याद रखना है आपको, निगेटिव पॉइंट्स अगर लिखना है कि ये रेगुलर सप्लाई की गारंटी नहीं देता है। दूसरी बात, नॉन पेमेंट होने पे कनेक्शन काट दिया जाएगा। आपको पता होगा कि इस स्कीम में ये भी एक बात लिखी गई है कि अगर किसी बंदे का कनेक्शन काट दिया गया है तो उसको दोबारा रिकनेक्शन नहीं दिया जाएगा इस स्कीम के तहत। तो कंसर्न ओवर इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट, देखो इंडस्ट्री एस्टीमेट सजेस्ट दैट दिस स्कीम वुड पोटेंशियली रिक्वायर 28,000 मेगावाट की जरूरत पड़ेगी एडिशनल, और 80,000 मिलियन यूनिट्स पर एनम पूरी ज़रूरत पड़ेगी। रफली 7% ऑफ इंडियाज करंट इंस्टॉल्ड पावर, जो 7% अभी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उतनी ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी, कैसे पूरा होगा। देर इज़ ए पावर शॉर्टेज इवन एट दिस मोमेंट लीडिंग टू शेड्यूल्ड एंड अनशेड्यूल्ड लोड शेडिंग। लोड शेडिंग मतलब अगर आप बिजली ज़्यादा लोड पड़ता है तो हम उसे कनेक्शन काट देते हैं काफ़ी देर के लिए और बिजली सप्लाई रोक देते हैं। तो हमारे पास अभी बिजली की शॉर्टेज है, कैसे हम पूरा करेंगे। सो द प्रॉब्लम इज ग्रेवर स्टिल इन इंटीरियर रूरल ऑफ इंडिया, रूरल इंटीरियर जो है वहाँ पे तो और बिजली कनेक्शन कट जाती है, आपको पता होगा। तो कंसीडरिंग द ह्यूज लैप्स एज फार एज इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी इज कंसर्न, मैनेजिंग दिस एडिशनल डिमांड वुड बी प्रूव टू बी ए चैलेंजिंग। इसका मतलब ये 7% जो है इसको पूरा करना गवर्नमेंट के लिए अभी भी चैलेंजिंग है, इसके लिए उसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। देखो सौभाग्य स्कीम पॉजिटिव्स है निगेटिव्स में है। पॉजिटिव हमने डिक्लेयर वहाँ पे बताया, निगेटिव भी हमने बता रखा है वहाँ पे, और निगेटिव में सोलर पैनल के बारे में हमने बता रखा है जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए। तो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो आर्टिकल कहता है वो ये कहता है कि ये जो स्कीम है इसने रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन तो कर रहा है लेकिन कैपेसिटी पे कोई फोकस यहाँ पे नहीं किया गया है। तो यहाँ पे ये शक किया जा रहा है कि ये जो पॉलिसी है, ये जो बात कहती है कि इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे, सोशल डेवलपमेंट होगा, ये कह रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल डेवलपमेंट कम, ये ऐसा लग रहा है कि ये अगेन इलेक्टोरल पर्पज के लिए ये पॉलिसी लाई गई है, वोट बैंक की राजनीति के लिए लाई गई है। आपको डिसाइड करना है कि कहाँ तक ये बात सही कह रहे हैं कहाँ तक गलत कह रहे हैं। लेकिन आपको मैंने बोला कि अगर आप पढ़ेंगे कोई भी चीज़ आप हिंदू में या कहीं पे तो उसको पॉइंट वाइज पढ़ा करिए आप, पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5 पॉजिटिव्स और निगेटिव्स, पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5 हमारे आंसर राइटिंग में एकदम पॉइंट फॉर्मेट में आप अगर पढ़ेंगे तभी अच्छा लिख पाएंगे एकदम। तो आपको हम चलते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। डिस्कस मेजर लूपहोल्स इन गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, व्हाट सजेशन डू यू प्रोवाइड फॉर बेटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ दीज स्कीम्स। ठीक है, इस पे आंसर लिखेंगे आप। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, जीएसटी आफ्टर थॉट। जीएसटी आपको पता होगा कि जीएसटी हमारा 1 जुलाई 2017 को लॉन्च हुआ है, थोड़ी सी हड़बड़ी में लॉन्च की गई है। ये गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड इसको यहाँ पे किया गया है पेपर 3 में। और आपको मैं बताऊँ तो जो कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पे वो ये है कि द गवर्नमेंट मस्ट वर्क डबल क्विक टू फिक्स द जीएसटी रिजीम। गवर्नमेंट को बहुत ही तेज़ी से एक्शन लेना पड़ेगा अगर वो चाहती है कि जो जीएसटी रिजीम है उसकी जो लूप होल्स हैं उसको फिक्स किया जाए। तो आगे देखते हैं और क्या कहते हैं इसमें, कंसर्न्स क्या है, चिंताएं क्या है यहाँ पे।
द सेंटर इज क्लियरली स्टेपिंग अप इट्स बिड टू एड्रेस कंसर्न्स अबाउट द फ्लेजलिंग गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रेजिम. रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख आधिया कंसीडर्ड इन एन इंटरव्यू ओवर द वीकेंड दैट इट इज पॉसिबल दैट डिफरेंट ट्रीटमेंट इन सम सिमिलर आइटम्स मे नॉट बी नेसेसरली बी फेयर. आपको को शायद पता होगा यहाँ पे कि जो GST है जब से वाई है तब से लगभग 100 आइटम्स ऐसे हैं जिनका रिव्यू किया जा चुका है विभिन्न मीटिंग्स में. आपको पता होगा कि GST में चार जो स्लैब्स हैं, एक है 5 का, एक है 12 का, एक है 18 का, एक है 28 का, और इस स्लैब्स में कुछ को 12 में रखा गया, कुछ को 5 में रखा है, कुछ को 18 में, कुछ को 28 में. इन स्लैब्स में जो सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए जो सबकी सोसाइटी की हमारी जो है वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड है, इसलिए चार स्लैब्स रखे गए हैं और हम स्लैब्स को लगातार चेंज कर रहे हैं और लगातार हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं. हमारी GST काउंसिल की जो मीटिंग है और हमने देखा है कि जो GST लॉन्च की गई उसके बहुत सारे फायदे भी हुई हैं, जिसमें 27 लाख नए जो टैक्स पेयर्स हैं वो जुड़े हुए हैं. लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस जो लोग हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन आया हुआ है और ये एक कंसर्न है यहाँ पे. तो आर्टिकल में क्या कहा गया है, वो कहा गया है कि जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए गवर्नमेंट बहुत ही लूप होल्स हैं, जो उसकी शॉर्ट कमिंग्स हैं, जिसको जो उसको जो दिक्कतें हुई हैं ट्रेडर्स को, उसको मिटाने के लिए बहुत सारी बातें कही, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि जो टैक्समैन्स हैं ये हैरेस नहीं करेंगे उन लोगों को जिन्होंने GST से पहले जो भी टैक्स उन्होंने पे किया था उसके लिए उनको हैरेस नहीं किया जाएगा. और इसके साथ साथ ये भी बात की गई है, मिस्टर आढ़िया ने कहा है कि अभी एक साल लग जाएगा पूरी तरीके से इसको रिवैम्प करने में. इसका मतलब है इंडिया का जो वन नेशन वन टैक्स का जो प्लान है वो अभी थोड़ा आधर में है, अभी पूरी तरीके से ये लागू नहीं होगा. लास्ट GST काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी उसमें 2 दर्जन आइटम्स के रेट्स को फिर से रिव्यू किया गया है, रिसेट किया गया है, लगभग 100 तक पहुंच गया है अभी तक, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है. और अभी भी उसमें प्रॉब्लम्स चल रही है. जो प्रॉब्लम्स हैं वो कौन कौन सी हैं, पहली बात तो रिफंड्स हैं जो एक्सपोर्टर्स की. आपको पता होगा जो इनपुट क्रेडिट है जिसमें गवर्नमेंट से पहले आपको सर्टिफिकेट देना है और गवर्नमेंट से आप इनपुट क्रेडिट लेना है ट्रेडर्स के जरिए, ये गवर्नमेंट है, ये ट्रेडर्स हैं जो स्कीम लेना है, उसमें अभी भी जो ट्रेडर्स हैं उनके पास पैसा फंसा हुआ है, जिससे उनकी ट्रेड करने की जो क्षमता है वो कम हो गई. अगर 24 लाख रुपए गवर्नमेंट के पास फंसा हुआ है तो जाहिर सी बात है उसका वो ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं. तो रिफंड जो एक्सपोर्टर्स का वो भी मामला भी फंसा हुआ है. और इसके साथ साथ जो हमारा GST का नेटवर्क है वो बड़ा ही स्लो हो रखा है, बड़ा ही नॉर्म्स जो है बड़े उसकी बहुत दिक्कत कर रहा है और जो टैक्स पे नहीं कर पा रहे हैं, जिससे जो ट्रेडर्स हैं उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन भी हुआ है. और इसके साथ साथ बीच में जो टैक्स मैंस थे वो जा करके ट्रेडर्स पे उन्होंने उनके खिलाफ केस भी किया था, जिसकी वजह से आपके मोदी साहब को बोलना पड़ा कि नहीं नहीं अब उनके साथ ऐसा कोई बिहेवियर नहीं किया जाएगा, मिसबिहेवियर. तो अभी नवंबर 10 को एक फिर मीटिंग होने वाली है GST काउंसिल की और इसमें जो बातें होने वाली हैं वो 2-3 बातें होने वाली है. पहली बात क्या होगी कि जो टैक्स है उसको रिवाइज किया जाएगा कुछ और आइटम्स पे. दूसरी बात की जाएगी जो प्रोसेस है उसको और सिंप्लीफाई किया जाएगा. और तीसरी बात जो की जाएगी वो रियल एस्टेट को इंक्लूड करने की बात चल रही है. ठीक है, तो 2 हार्मफुल इफेक्ट जो हम देखते हैं वो ये है कि पहला लेवल पे क्या है कि हाई और इनकॉन्ग्रुएंट रेट स्ट्रक्चर हैव ड्रिवन स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस टू द वॉल. इसके जो 2 हार्मफुल इफेक्ट हम देखने को मिला है वो ये है कि पहली बात तो इसने जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस हैं उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उनको वॉल की तरफ डिक्लेयर धक्का दे दिया है, जिससे उनकी जो व्यापारिक क्षमता है वो घट गई है. और दूसरी बात जो यहाँ पे है कि बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं, कैटेगरीज हैं जो डिसअपीयरिंग हो रहे हैं, जैसे कि हाइब्रिड कार्स हैं. ये यहाँ पे GST रेजिम में आने के बाद इनकी लगातार प्रोडक्शन कम है और टेस्ला जैसी जो कंपनीज हैं वो यहाँ पे आने से, इन्वेस्ट करने से मना कर दे रही हैं. तो 2 नुकसान यहाँ पे डिक्लेयर किया गया इसमें. देयर नीड्स टू बी सम रियल इंट्रोस्पेक्शन अबाउट वाई दोज एट द टॉप वेर लेट टू बिलीव ऑल GST स्कीम वेर रेडी टू फायर. जो GST स्कीम को 1 जुलाई को लॉन्च किया गया ये कह रहे हैं कि अभी क्यों उसको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को, आखिर जब तैयारी पूरी नहीं थी तो उसे क्यों रोल आउट किया गया. तो चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड. डिस्कस मेजर सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट्स ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ GST इन इंडिया. व्हाट मेजर्स हैव बीन टेकन टू मिनिमाइज द नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ GST इन इंडिया. व्हाट मोर शुड बी डन बाय द गवर्नमेंट. सजेस्ट मेजर्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आज का डिस्कशन यहाँ खत्म होता है. कुछ लोगों ने आज कमेंट किया है कि जो
एथिक्स का केस स्टडी है वो क्यों नहीं किया जा रहा है। मैंने बोला हमारी टीम फिर से आएगी, हमारी टीम फिर से 4 तारीख से फिर से शुरू करेगी और हम कुछ नए फीचर्स लेके आएंगे। तब तक आप जो हमने पहले से डाल रखा है आपके एथिक्स की किसी चीज़ को, उसको आप रिवाइज कर लें, उसको समझ लें ठीक से, हम जल्दी हाजिर होंगे आपके पास। तब तक आप हिंदू डिस्कशन को आप देखें, एंजॉय करें। और आज के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहूँगा कि आप कंपोजिशन स्कीम क्या होती है उसके बारे में बताएं। कंपोजिशन स्कीम के तहत जो ट्रेडर्स हैं और जो नॉर्मल ट्रेडर्स हैं उनमें क्या अंतर है, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को आप ध्यान से रखें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। और हम पूरी मेहनत करेंगे, पूरी तरीके से यूपीएससी ओरिएंटेड है इसलिए हमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है ताकि आपकी आंसर राइटिंग बहुत ही सुपर फाइन हो। अगर आप हमारे स्टूडेंट होते तो हम इसके आंसर को चेक भी करते आपके और हम उस पर कॉमेंट्स भी देते हैं आपको और आपसे डिस्कशन भी करते कि कैसे आप अच्छी आंसर राइटिंग करते हैं। बाय द वे आप खुद करते रहें, रिव्यू करते रहें, अपने दोस्तों से रिव्यू कराते रहें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।